यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बीजगणित के गुणा को हम किस तरह से बनाएंगे, और वो भी बिल्कुल शुरुआत से और वो भी सबसे आसान तरीका से। यदि आप बीजगणित के गुणा बनाना बिल्कुल अच्छे तरह से सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी बीजगणित के गुणा बनाते समय कोई भी दिक्कत ना हो और इसका डर आपके दिमाग से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए मैं आपको तीन तरह के बीजगणित के गुणा बनाना सिखाऊंगा। पहला सिंपल गुणा बनाना सिखाऊंगा इस तरह से एक अंकों वाला, फिर आपको इस तरह से दो अंकों वाला गुणा बनाना सिखाऊंगा। देखिए, यह एक टाइप का है, यह सभी जो गुणा है यह एक नियम से बनेगा। यह वाला जो तीनों गुणा है यह एक नियम से बनेगा, और यहाँ पर जो गुणा मैं लिखा हूँ यहाँ पर देखिए यह तीन अंकों का गुणा है। और इस तरह से कोई भी आपको यदि तीन अंकों का गुणा मिलता है तो उसे भी आप बहुत ही आसानी से बना देंगे। तो यदि आप इन सभी को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को बिना भगाए हुए शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी तरह के गुणा को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक अंकों के गुणा को बनाना सीखते हैं। यह देखिए बिल्कुल बेसिक से हैं और इतना आसान तरीका से और इतना बेसिक से आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हैं एक्स गुणा एक्स, यदि इस तरह से रहता है तो इसका मतलब क्या होता है बीजगणित में और इससे किस तरह से गुणा किया जाता है, पहले आप यह समझिए, क्योंकि यदि आपका बेस मजबूत होगा तो फिर आप इन सभी को बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए, सबसे आसान यही है और इसी को हमें सबसे पहले सीखना है। यदि यह समझ में आ गया ना तो समझ लीजिए कि यह सब कुछ भी नहीं है, ठीक। तो देखिए, यदि एक्स गुणा एक्स रहता है, इस तरह से कोई भी रहता है, ए बी सी डी का अक्षर दोनों एक ही रहता है और उन दोनों में आपस में गुणा कराना होता है, तो जानते हैं क्या किया जाता है। देखिए, इस तरह से है ना, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर है एक्स गुणा एक्स, तो इसका मतलब जानते हैं क्या होगा। देखिए, यहाँ पर देखिए इसके साथ इधर किनारे में कोई भी अंक नहीं है ना, तो ठीक है। देखिए, और क्या है, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एगो एक्स इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर एगो एक्स है और यहाँ पर एगो एक्स है, दो एक्स है ना, इसके पावर में ऊपर हम इसके सर पर दो लिख देंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक्स के पावर दो, और इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है एक्स का स्क्वायर, ठीक। अब समझिए दूसरा गुणा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है टू ए गुणा थ्री बी, देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर एक्स है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना ए बी सी डी का कुछ भी अक्षर हो सकता है, ए से जेड के बीच में या ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इसको लेकर मत कंफ्यूज होखिएगा। अब देखिए इसको हम गुणा किस तरह से कराएंगे, यहाँ पर टू ए है और गुणा है थ्री बी है, ठीक। तो इस तरह से यदि गुणा रहता है ना तो क्या किया जाता है, सबसे पहले हम अंक में अंक के साथ गुणा कराएंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम अंक में अंक के साथ गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले हम दो में तीन से गुणा कराएंगे, तो तीन दूनी का हो जाएगा छः, क्या हो जाएगा, तो तीन दूनी का हो जाएगा यह छः। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम ए बी सी डी वाले अक्षर में गुणा कराएंगे। यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर बी है, दोनों अलग अलग हैं और बिल्कुल अलग हैं, एक जैसा नहीं है, ठीक। तो दोनों अलग अलग जब रहता है तो इन दोनों को एक साथ इस तरह से सटाकर लिख दिया जाता है ए बी, और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब तीसरा गुणा समझिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह वाला और यह वाला, यह भी यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, लेकिन यह भी दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर पावर दो हैं और यहाँ पर पावर तीन है। तो देखिए जब इस तरह से गुणा रहता है तो किस तरह से कराया जाता है, सबसे पहले मैं आपको क्या बताया हूँ कि अंक को अंक वाले के साथ हम गुणा करा देंगे। तो देखिए इसके आगे दो हैं और इसके आगे कुछ वो नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके आगे एक है। तो जब हम दो में एक से गुणा कराएंगे तो यह क्या आएगा, यह आएगा दो। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, कहने का मतलब कि जब दोनों जगह पर एक ही अक्षर रहता है तो हम इसको लिख देते हैं पहले, तो हम यहाँ पर ए लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके जो पावर है ना इसको हम आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसके हम पावर को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर तीन है और यहाँ पर दो है, तो तीन और दो मिलकर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा पाँच, तो यहाँ पर हो जाएगा पाँच। तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे टू ए के पावर पाँच, और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब देखिए यही नियम जो है ना यहाँ पर भी लगा था, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है,
तो हमने एक्स को लिख दिया है। अब देखिए इसके पावर कुछ वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका पावर एक है और इसका भी पावर एक है, तो इन दोनों के पावर को हमने जोड़ दिया है तो यहाँ पर हो गया है दो। ठीक, तो इस तरह से हम एक अंकों वाले गुणा को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर चार नंबर में जो गुणा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए बी सी और यहाँ पर है बी सी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर ए अकेले हैं, इसके जोड़ा इसमें कुछ वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए अकेले है ना, तो ए को पहले इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए गो बी है और यहाँ पर ए गो बी है, तो हम ए गो बी पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी के पावर कितना है, कुछ वो नहीं है तो एक है। ठीक, और यहाँ पर भी कुछ वो नहीं है तो एक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से जब गुणा रहता है, जैसे कि यहाँ पर भी है बी और यहाँ पर भी है बी, तो इसको हम गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर हमने पहले बी लिख दिया है, उसके बाद हम इसके पावर को आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ए गो बी है और यहाँ पर भी ए गो बी है, कहने का मतलब कुल मिलकर दो गो बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा दो। उसी तरह से देखिए यहाँ पर सी है और यहाँ पर भी सी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी और इसके भी पावर को हम आपस में जोड़ देंगे, तो एक और दो, यहाँ पर हो जाएगा दो, और यही हो गया इसका राइट आंसर। इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया है ए बी के पावर दो सी के पावर दो। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से मजे मजे में इस तरह से सिंपल बीजगणित के गुणा को बना सकते हैं। यदि यह आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। अब हम दूसरे टाइप के बीजगणित के गुणा को समझते हैं। तो इसमें देखिए इस तरह से आपको गुणा मिलेगा, एक इस तरह से जैसे कि यहाँ पर है ना x प्लस वाई और दूसरा यहाँ पर है 2x प्लस वाई, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है अलग अलग, जैसे कि आप इन तीनों को देख रहे हैं, तो इन तीनों में सभी अलग अलग हैं, जैसे कि यहाँ पर भी एक्स वाई है और यहाँ पर 2x है और y है, यहाँ पर 3x है और y है और यहाँ पर a प्लस बी है, तो ठीक इस तरह से कुछ भी हो सकता है ए बी सी डी के अक्षर में का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यह जो तीनों है ना गुणा, यह सभी एक ही नियम पर बनेगा, और न केवल यह तीनों बल्कि इस तरह से आपको कोई भी गुणा मिले जिसमें दो दो को इस तरह से अंक रहे, जिसे कोष्ठ में बंद किया रहेगा और फिर आपको इस तरह से दो अंक मिल जाएगा और वह भी कोष्ठ में बंद रहेगा और इन दोनों को आपस में गुणा कराना होगा। यहाँ पर देखिए कोष्ठ बंद है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यह होगा कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है, इन सभी को क्या करना है हमें, तो इन सभी को गुणा करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो यह वाला गुणा है ना लास्ट वाला, हम इसी को बनाकर सीखेंगे किस तरह के गुणा को हम किस तरह से बनाएंगे। यदि आप एक सीख गए ना, तो इस तरह से आपको हज़ार गुणा भी मिलेगा ना, तो उससे भी आप बहुत ही आसानी से बना देंगे। तो देखिए इस तरह के गुणा बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, यह है कि यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है ए प्लस बी और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है चार ए प्लस बी, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ का जो पहला अंक है ना, पहला अंक क्या है, पहला अंक है ए, इसको हमें लेना है, तो हमने ए को ले लिया है। उसके बाद क्या करना है, तो देखिए यह वाला जो पूरा है ना कोष्ठ वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको यहाँ पर रख देना है, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, तो यह हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा चार ए प्लस बी, इस तरह से हो जाएगा, फिर कोष्ठ बंद कर देना। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ए है इससे हमने इसमें गुणा करा दिया है, अब यहाँ पर दूसरा अंक क्या है, दूसरा अंक है बी और इसके साथ कौन सा चिन्ह लगा है, तब प्लस बी है, अब यहाँ पर हमें इस तरह से लिखना है प्लस बी और फिर से यह वाला जो कोष्ठ के अंदर वाला पूरा अंक है ना, इसको यहाँ पर लिख देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा चार ए प्लस बी, इस तरह से। ठीक, फिर कोष्ठ बंद। देखिए इस तरह के गुणा बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, जब इस तरह से दो भाग में गुणा हमें मिल जाए, एक इस तरह से मिल जाए ए प्लस बी और एक इस तरह से मिल जाए, ठीक इसी तरह से रहे, और हाँ यहाँ पर देखिए यह जरूरी नहीं है कि दोनों बार या दोनों में प्लस ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है, दोनों में माइनस भी हो सकता है चिन्ह, माइनस प्लस भी हो सकता है। ठीक, और यह भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर ए बी रहेगा, जैसे कि यह वाला अलग अलग है, तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह से रहता है, तो इसको गुणा कराने के लिए हम क्या करेंगे, इधर वाला जो पहला भाग होता है यह वाला, इसके हम पहला अंक को लेंगे सबसे पहले, उसके बाद यह जो दूसरा भाग है इसको इसके बगल में रख देंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा उसको लिखेंगे
और यह वाला जो अंक रहेगा इसको लिखेंगे, फिर इसके जो दूसरा भाग रहेगा उसको जिम कहते हुए यहाँ पर रख देंगे। अब इतना करने के बाद गुणा किस तरह से कराया जाता है अब इसको समझिए। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो ए है ना इससे हमें गुणा करना है इन दोनों में, ठीक। और यहाँ पर जो यह बी है ना इससे गुणा करना है हमें इन दोनों में, ठीक। इतना ही हमें काम करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैं चार ए, इससे हमें क्या करना है इसमें गुणा करना है। तो हम लिखेंगे इस तरह से, ए में चार ए से गुणा करना है तो हम लिखेंगे ए गुणा चार ए, उसके बाद यह प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर हमें ए से बी में गुणा करना है तो हम लिखेंगे ए गुणा बी, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस है ना तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस, उसके बाद ठीक इसी तरह से बी में हमें एक बार चार ए से गुणा करना है और एक बार हमें बी से बी में गुणा करना है, तो हम लिखेंगे बी गुणा चार ए, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर हम बी गुणे बी लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी गुणा बी, उसके बाद बराबर। अब देखिए यहाँ पर है ए और यहाँ पर है चार ए, इस तरह के गुणा को मैंने आपको पहले ही बता दिया है किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अंक वाले को अंक वाले के साथ हम गुणा करेंगे तो इसमें तो अंक नहीं है लेकिन इसमें अंक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है चार, इसमें कोई नहीं है तो यहाँ पर है एक, तो हम एक में चार से गुणा करेंगे तो यह चार हो जाएगा, उसके बाद हम ए में ए से गुणा कर देंगे तो देखिए यह दोनों एक ही हैं। तो इस तरह के अंकों का गुणा करने का क्या नियम है कि इसको हम ज्यों कहते हैं इस तरह से लिख देंगे और इसके पावर को हम जोड़ देंगे। या यह भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल इस तरह से देखिए, यहाँ पर ए गोए हैं और यहाँ पर ए गोए हैं, तो ए गोए और ए गोए मिलकर कितना ए हो गया, दो गोए हुआ ना, इसके पार पर सर पर हम दो लिख देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए इसका गुणा हो गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब यहाँ पर प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, अब हमें गुणा कराना है ए में बी से, तो ए में बी से हम गुणा कराएंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा ए बी, क्योंकि यह दोनों अलग अलग हैं तो केवल यह दोनों आपस में सट जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, बी में गुणा कराना है चार ए से, तो क्या हो जाएगा, चार ज्यों का त्यों, अंक वाले को अंक वाले के साथ गुणा कराएंगे तो चार ज्यों का त्यों, उसके बाद यह भी दोनों अलग अलग हैं तो यह दोनों भी आपस में केवल सट जाएगा इस तरह से, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब हमें बी में बी से गुणा कराना है तो यह क्या हो जाएगा, दोनों एक ही हैं तो हम एगो को लिख देंगे इस तरह से, उसके बाद इसके पावर को जोड़ देंगे, या इस तरह से दो गो बी है ना इसके सर पर हम दो लिख देंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर इन सभी के बीच में प्लस का चिन्ह है ना, तो हम यह देखेंगे कि क्या कोई एक जैसा है, यदि कोई एक जैसा होगा तो उसको आपस में जोड़ देंगे और नहीं होगा तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर भी ए बी हैं और यहाँ पर भी ए बी हैं, यह दोनों एक जैसा है तो यह दोनों आपस में जुट जाएगा, तो किस तरह से जुड़ेगा जरा यह भी देख लीजिए। तो यह जो पहला अंक है ना यह ज्यों का त्यों हो जाएगा चार ए के पावर दो, उसके बाद प्लस, और इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है चार ए बी और यहाँ पर है ए गो ए बी, तो चार गो और ए गो मिलकर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा पाँच ए बी, उसके बाद प्लस बी के पावर दो, और यही हो गया इसका राइट आंसर। इस तरह के बीजगणित के गुणा को बनाया जाता है। अब हम समझते हैं कि जब इस तरह से हमें तीन अंकों का बीजगणित का गुणा मिल जाए तो उसे हम किस तरह से बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस सी, इसमें हमें गुणा करना है, किससे करना है तो इससे गुणा करना है। यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर है थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी, तो देखिए यह जो गुणा है ना यह भी गुणा इसी तरह से होगा। तो देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, इसको मैं जरा यहाँ से बनाने का काम चालू करूँगा, जानते हैं क्यों, क्योंकि यह जो बड़ा है ना इसका गुणा करने पर इधर में लंबा जाएगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर मैं यदि काम लगाता हूँ इधर जगह कम पड़ जाएगा, तो इसलिए इसको मैं ज़रा यहाँ से नीचे से बनाने का काम चालू करूँगा। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह गुणा भी बिल्कुल इस तरह से बनेगा, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर यह जो तीनों अंक है ना इन तीनों में से एक अंक से बारी बारी से यह जो पूरा वाला अंक है ना इसमें हम गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ का पहला अंक है ना इसको हम लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ए है ना, तो हम सबसे पहले ए को यहाँ पर लिख दिए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे यह जो पूरा है ना इसको हम इसमें लिख देंगे, ठीक।
तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस 2c, फिर कोष्ट बंद। उसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, दूसरा है प्लस बी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इन सभी को इसके पास लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस 2c, फिर कोष्ट बंद। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अब अगला है ना प्लस सी, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी। उसके बाद फिर क्या करना है, तो इन सभी को यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस 2c। यह वाला जो गुणा है ना तीन अंकों का, यह बहुत ही लंबा जाता है, ठीक, तो इससे मत डरिएगा। जो बनाने का इसका नियम है ना, उसको आप केवल पालन करते जाइएगा, यह गुणा बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब देखिए इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर गुणा कराना है, तो यहाँ पर अब मैं गुणा डायरेक्ट ही कराऊँगा, तो देखिए किस तरह से होगा। यहाँ पर हमें ए से गुणा कराना है 3a से। अब आप डायरेक्ट गुणा कराना भी सीखिए, तो देखिए डायरेक्ट हम किस तरह से गुणा कराएंगे, या फिर छोड़िए इसको मैं डायरेक्ट नहीं कराता हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ए है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3a, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब हमें ए से बी में गुणा कराना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए गुणा बी, उसके बाद प्लस है तो प्लस। इसके बाद हमें ए में 2c से गुणा कराना है, तो यह हो जाएगा ए गुणा 2c, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है ना, तो प्लस। अब हमें बी से इन सभी में गुणा कराना है बारी बारी से, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बी फिर गुणा 3a फिर प्लस है तो प्लस, फिर बी में बी से गुणा कराएंगे, तो यह हो जाएगा बी गुणा बी, उसके बाद प्लस है तो प्लस। फिर हम बी में 2c से गुणा कराएंगे, तो यह हो जाएगा बी गुणा 2c, उसके बाद यह प्लस है तो प्लस। अब हम सी से इन सभी में गुणा कराएंगे, तो यह देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सी गुणा 3a, फिर प्लस है तो प्लस, फिर सी गुणा बी हो जाएगा, तो सी गुणा बी, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर सी गुणा 2c, तो यह हो जाएगा सी गुणा 2c। इस तरह से देखिए यह जो गुणा है बहुत ही लंबा जाता है। अब इसको क्या करना है, इस तरह से अब यहाँ पर गुणा करा देना है। देखिए यह वाला एक भाग है, यह वाला एक भाग है, यह सभी अलग अलग भाग हैं। इसको जरा मैं इसके नीचे चिन्ह खींच देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन कौन अलग भाग हैं, ठीक। इन सभी को अब हमें आपस में गुणा कराना है। तो देखिए यहाँ पर हम ए में 3a से गुणा कराएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3, और यहाँ पर भी ए हैं और यहाँ पर भी ए हैं, 2a है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ए के पावर 2, फिर प्लस है तो प्लस। उसके बाद ए में बी से गुणा कराएंगे, तो यह हो जाएगा ए बी, फिर प्लस है तो प्लस। फिर उसी तरह से यहाँ पर ए में 2c से गुणा कराएंगे, तो 2 पहले हो जाएगा, उसके बाद ए सी हो जाएगा, इस तरह से ए सी, दोनों अलग अलग हैं तो आपस में केवल सट जाएगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर हमें बी में गुणा कराना है 3a से, तो 3 इस तरह से पहले हो जाएगा, और यह दोनों अलग अलग हैं, तो इस तरह से हो जाएगा ए बी। और इसको सजा कर लिखिएगा, जैसे कि ए बी सी डी पढ़ेंगे आप, तो ए पहले आता है ना, तो पहले आप ए लिखिएगा, उसके बाद बी लिखिएगा। ऐसा देखिए लिखने पर क्या होता है ना, आगे चल के इसको बनाने में हमें आसानी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे लिख देंगे तो गलत होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन सजा कर लिखेंगे ना, तो आपको ही और आसान होगा बनाने में। उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब देखिए बी में हमें बी से गुणा कराना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी और इसके पावर को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि ये कहीं है तो 2 बी है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, उसके बाद प्लस है तो प्लस। उसके बाद देखिए 2c में हमें बी से गुणा कराना है, तो 2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बी सी, इस तरह से, फिर प्लस है तो प्लस। उसके बाद यह भी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3ac प्लस, यह हो जाएगा बी सी प्लस, यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2, और सी में सी से गुणा कराएंगे, तो यह हो जाएगा सी के पावर 2। अब देखिए क्या करना है, इन सभी के बीच में अब प्लस का चिन्ह आ गया है, तो जो जो एक जैसा आपको दिखाई देगा उसको जोड़ देना है, और नहीं दिखाई देगा तो इसी तरह से छोड़ देना है। तो देखिए एक जैसा इसमें कौन कौन से हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैं, पहले लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए 3a के पावर 2 हैं। अब देखिए इसके साथ क्या इसके जैसा कोई है जिसमें a के पावर 2 हैं, तो देखिए यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक किसी में भी a के पावर 2 नहीं है। एक जैसे से कहने का मतलब ना, हमें अंक को नहीं मिलाना है, जो ए बी सी डी का अक्षर है ना, वह एक जैसा देखने में होना चाहिए।
जैसे कि देखिए यहाँ पर है ए बी, यहाँ पर भी है ए बी, तो यह जो दोनों है ना यह दोनों एक जैसा है, तो यहाँ पर तीन ए बी हैं और यहाँ पर एक ए बी है, यह दोनों मिलकर हो जाएगा चार ए बी इस तरह से। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर टू ए सी हैं, क्या और भी किसी में ए सी लगा हुआ है? तो हाँ देखिए यहाँ पर भी ए सी लगा हुआ है, ठीक। तो यह जो दोनों है ना यह एक जैसा है, तो यहाँ पर टू ए सी हैं और यहाँ पर तीन ए सी हैं, तो तीन और दो मिलकर हो जाएगा पाँच और ए सी हो जाएगा इस तरह से। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर इसमें से बहुत सारा जुट भी गया है, अब यहाँ पर है बी के पावर दो, तो यह बी के पावर दो ज्यों का त्यों, क्योंकि किसी में भी बी के पावर दो नहीं है, तो जो जो आपस में जुट गया है देखिए उसके नीचे मैं इस तरह से चिन्ह लगा दिया हूँ ताकि हमें समझ में आएगा कि यह आपस में जुट गया है। अब कौन कौन नहीं जुटा है, तो यह देखिए नहीं जुटा है, यह नहीं जुटा है, तो यहाँ पर भी बी सी है और यहाँ पर भी बी सी है, तो यह दोनों भी आपस में जुट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा दो बी सी और एक बी सी, प्लस हो जाएगा यह तीन बी सी। उसके बाद प्लस, अब लास्ट में केवल क्या बचा है यह वाला, तो यह वाला ज्यों का त्यों, और यही हो गया इसका राइट आंसर।